मेरा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि यदि पहले की सरकारों में विकास कार्य होते तो आज विकास करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार प्रदेश का चहुमुखी विकास करने में लगे हुए हैं, वहीं कांग्रेसी नेताओं को ये बात हजम नहीं हो रही है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा अपने कार्यालय पर आगामी 27 मार्च को फरीदाबाद में होने वाली मुख्यमंत्री की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फरीदाबाद समेत पूरे हरियाणा का लगातार चहुमुखी विकास करा रहे हैं, चाहे वो RMC सड़कों की बात हो या फिर फ्लाईओवर्स की बात हो, लेकिन यही बात कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रही है। कांग्रेसियों का जिस तरीके से पंजाब और अन्य राज्यों में सफाया हुआ है, वैसे ही पूरा भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। वल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता विकास औहल्यान की रिपोर्ट। बैठक लिए कार्यकर्ताओं के क्या मुख्य उद्देश्य है? 27 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जिले की ऐतिहासिक रैली तिगाम में राजमंडी में रैली को संबोधित करेंगे और एक कार्यकर्ता की बैठक ली है कि 27 तारीख को रैली में जोर शोर से सबको भाग लेना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इतना पैसा जिला फरीदाबाद में दिया है और उसके स्वागत के लिए सभी लोग जिले के कार्यकर्ता सांसद के स्वागत में बड़े उमंग के साथ भीड़ के साथ गाने के साथ कार्यकर्ता अनाज मंडी तिगाम में पहुँचेंगे और मुख्यमंत्री ने दो साल लंबे समय के कोविड के समय कारण ना रैली हो पाई ना कोई विकास की घोषणा हो पाई, इन सब को लेकर मुख्यमंत्री जिले की घोषणा भी विकास के कार्य करेंगे और सब कार्यकर्ता रैली पहुँचेंगे। क्या कोई बड़ी सौगात भी मिलने वाली है बल्लभगढ़ को? सौगात जो बल्लभ नहीं पूरे फरीदाबाद को मुख्यमंत्री बहुत लंबी सौगात दी है और मैं कहता हूँ एक नंबर में 66 को हरियाणा बना और आज तक के इतिहास में कभी इतना पैसा नहीं गया। आज जितने रोडों को देखिए RMC में तब्दील हो गए, अब फरीदाबाद पूरा RMC में, बल्लभपुर RMC में, बड़कल RMC में, ये प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में पूरा फरीदाबाद जो RMC में कई फ्लाई ओवर्स में कई स्टेडियम में कई स्कूल में कई ऑडिटोरियम में कई बैंकट में सब मुख्यमंत्री जी की देन है। अगर पहले पूर्व की सरकार में इतना विकास होता तो आज विकास की जरूरत ही थी। हम आने वाले समय में एक भी कोई गली कोई मोहल्ले का एक भी कोई गली नाले बिना पक्की नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस को तो ये बात पच नहीं रही है, वो लगातार आप पर हमलावर है कि भाई कोई विकास कार्य नहीं हो रहे, प्रदेश नंबर वन हो रहा है क्राइम में भी। कांग्रेस के मित्रों की जो हालत है आज भी तो ये हालत है, जो पचा नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, किसी बात को पचा नहीं पा रहे, कांग्रेस की ये हालत है। पूरे देश में कांग्रेस मुक्त होने जा रही है, पंजाब में मुक्त हुई और जहाँ की उम्मीद थी वहाँ भी कांग्रेस मौके पर हारी। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस के मित्रों की यही हालत रहनी है 29 तक कांग्रेस के लोगों के मंसूब में। थैंक यू। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।